छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सीएम भूपेश बघेल व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृह जिले भिलाई 3 में ओम प्रकाश साहू के निर्मम हत्या कर शव को तार से बांधकर तालाब में डुबा दिया जाता है। यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। इस पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है? यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर मौन क्यों है। नरेश गुप्ता ने आगे कहा कि महादेव ऐप का खेल प्रदेश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इसकी वजह से हत्याएं हो रही हैं और लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इसकी सीबीआई जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृह जिले पर भिलाई में एक ओम प्रकाश साहू की हत्या, निर्मम हत्या की जाती है। हत्या कर उसकी शरीर को जीआई तार से बांध कर डुबा दिया जाता है स्कूटी के साथ। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक घटना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर मौन है। यह एक और बड़ा एक रहस्य है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर मौन क्यों है। यह महादेव ऐप का खेल है जो प्रदेश की जनता को, युवाओं को बर्बाद कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुरोध है कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। यदि आप दूध का दूध करना चाहते हैं, सारी चीज़ें को साफ लाना चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, सारी चीज़ें जनता को पता चल जाए महादेव ऐप में किस प्रकार लोगों की निर्मम हत्या कर रही है और लोगों को कैसा बर्बाद कर रही है, तो इसकी जाँच सीबीआई से कराना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपसे अनुरोध है कि इस पर सीबीआई जाँच का आदेश देवें। साथ ही साथ मैं ईडी के अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, जो ईसीआर हुई है उस पर भी इसको कवर करते हुए महादेव ऐप के तहत इसकी जांच कर सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। चाहे कितने से बड़े रसूखदार क्यों ना जुड़े हों, लेकिन ये प्रदेश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। इस पर शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का मौन यह दर्शाता है कि वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं।